सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे रासो साहित्य, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर एग्जाम में पूछा जाता है ये रचनाएं, ठीक है। तो इनको आज हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिए, विसल देव रासो जो हैं उसके लेखक हैं नरपति नलसिंह। अब इनको याद करेंगे कि बीसल देव रासो, अगर 20 लड़कियां कहीं जा रही हैं, अगर 20 लड़कियां कहीं जा रही हैं तो उसके पीछे नर मीन्स पुरुष होता है, उसके पीछे नरपति जरूर पड़ जाएंगे, उसके पीछे नर लोग जरूर पड़ जाएंगे। अगर 20 लड़कियां कहीं सज धज के जा रही हैं तो नरपति, उसके पीछे नर जरूर पड़ जाएंगे। तो बीसल देव रासो को लिखे नरपति नलसिंह। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो इम्पॉर्टेंट है तो इसको चंद्रबरदाई ने लिखा है। और विजयपाल रासो, विजयपाल रासो अगर कोई विजय होता है तो कैसे होता है, अगर विजयी कोई होता है, विजयी कोई कहलाता है इस दुनिया में, तो सिंह हमेशा कहलाता है। सिंह मतलब शेर हो गया, तो सिंह नल सिंह थे हैं इसके। और अगर कोई, अगर तुम्हें विजय होना है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नल को चलाना पड़ेगा। इस तरीके से याद करेंगे, बस याद करने के लिए है, बाकी इसका कोई वास्तविकता से संबंध नहीं है। अगर तुमको विजय होना है तो क्या करना पड़ेगा, तुमको नल को चलाना पड़ेगा। हमीर रासो कौन लिखे हैं, तो हमीर रासो को सारंगधर लिखे हैं। अच्छा, कोई अगर रास लीला करने जाता है ना, अगर किसी को रास करना है, हाँ हमको रास करना, हमीर से हम हो गया हमीर रासो, तो अगर किसी को रास करना है तो वो क्या करेगा, सारंग चला कर करता है। मतलब बहुत लोग डांस करके करते हैं, बहुत लोग कुछ करके करते हैं, तो ये सारंग जो होता है, एक टुनटुनिया होता बजाने का, तो उसको बजाकर ये क्या करता है कि रासलीला करता है। परमाल रासो, परमाल रासो के जगनिक हैं। अब देखिए, अगर आपको, अगर आप परम पूज्य हैं, परम पूज्य कोई है तो वो क्या है, जगत है। ये हमारा जगत जो है ना, वो परम पूज्य है। तो जगनिक हो गए, जगत से जगनिक हो गया, और परम पूज्य परमाल रासो हो गया। तो परमाल रासो को जगनिक ने लिखा है। कीर्ति लता कीर्ति पताका को लिखे हैं विद्यापति ने। तो देखिए, अगर किसी की कीर्ति और कीर्ति लता, मतलब कीर्ति लताएं, अगर कीर्ति किसी की फैलती है, कीर्ति पताका बनती है, तो वो कैसे बनेगी, सिर्फ विद्या ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आपकी कीर्ति फैल सकती है। तो कीर्ति लता कीर्ति पताका के हो गए विद्यापति। इस तरीके से ट्रिक बनाकर याद करेंगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें। जो नरपति नल है, विसल देव रासो है, ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। अब देखिए, ये सबसे, इसको कैसे याद करेंगे कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, तो 20 लड़कियां अगर कहीं जा रही हैं तो इसके पीछे नर जरूर पड़ेंगे। ये सबसे प्राचीन, मतलब प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, ये कोई आज नई बात नहीं है। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई ने लिखा है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और दलपति विजय जो हैं कुमार रासो को भी लिखे हैं। अच्छा, इसको कैसे याद करेंगे, तो जो कुमार, मतलब अगर कोई व्यक्ति कुमार होता है, कुमारा होता है, तो वो क्या करता है, दाल वाल नहीं पीता है। घर वाले कितना भी कहेंगे दाल पौष्टिक होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन वो अगर कोई कुमारा व्यक्ति है तो वो नहीं पीता है। फिर बाद में जब उसको ये रियलाइज होता है कि हाँ दाल कितनी अच्छी चीज़ होती है, तब वो पीना स्टार्ट करता है। तो अगर कोई कुमारा व्यक्ति है तो वो क्या करता है, दाल नहीं पीता है। तो ये हो गया। और अगर पृथ्वीराज रासों का पूछे कि इसमें प्रधान रस कौन है, तो वीर रस है। और श्रृंगार रस पूछे तो इसका गौड रस, श्रृंगार रस जो है इसमें गौड रस है। और रचना को पूर्ण इसको कल्हड़ सिंह ने करवाया था, मतलब कल्हड़ ने करवाया था। तो ये हो गया आज का ट्रिक। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा है टेलीग्राम चैनल, आप देख सकते हैं। आप जब सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे भी ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आप लोगों को। और यहाँ से आप लोगों को सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, चाहे वो